सरदार पब्लिक स्कूल विजापुर इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू वर्कबुक में फिलअप कर दिया होगा आज हमें चैप्टर नंबर थ्री वर्कबुक में फिलअप करना है सो लेट्स सी चैप्टर नंबर थ्री वाटर ओ वाटर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पर फोर उसके ऑप्शन दिए हैं तो इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर हमें बॉक्स में लिखना है ए बी सी डी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर बॉक्स में लिखना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज वाटर नॉट निडे कौन सा ऐसा टास्क है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है ड्रिंकिंग वॉशिंग हैंड्स साइकिलिंग वॉशिंग यूटेंसिल्स सो आंसर इज सी साइकिलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर यूज द मोस्ट वॉशिंग हैंड्स बाथिंग ड्रिंकिंग वाटर वाई लीटिंग फॉर आंसरिंग नेचर्स कॉल तो सब सबसे ज़्यादा पानी हमें किस में चाहिए सो आंसर इज बाथिंग सो वी हैव टू राइट हीयर बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर वाटर का सोर्स कौन कौन सा नहीं है वो हमें यहाँ पर लिखना है रेन कैनल माउंटेन लेक सो अवर आंसर इज सी माउंटेन सो वी हैव टू राइट हियर सी With what शुड वी टेक वाटर फ्रॉम एन अर्थन pot? हमें जो मटका होता है उसमें पानी किसे लेना चाहिए With ए जग with ए ग्लास with ए स्मॉल मेटल pot, लॉन्ग हैंडल मेटल कप तो हमें किसे पानी लेना चाहिए लॉन्ग हैंडल मेटल कप तो आंसर इज डी सो वी हैव टू राइट हियर डी विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर पानी का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है वेल्स रेन्स रिवर्स एंड लेक्स तो आंसर इज बी रेन्स वी हैव टू राइट हीयर बी विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कैन होल्ड द मोस्ट वाटर ऐसा कौन सा नीचे ऑप्शन चार दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कौन सा कंटेनर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आता है ग्लास स्मॉल बोर्ड जग बकेट सो आंसर इज डी बकेट सो वी हैव टू राइट हेयर डी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यहाँ पर जो एनिमल्स दिए हैं उसमें से कौन सा एनिमल है जो सबसे अलग है डॉग फिश कार्स तो आंसर इज बी फिश सो वी हैव टू राइट हीयर बी वाई फिश क्योंकि फिश पानी में रहती है और डॉग काओ एंड हॉर्स इन्हें रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं है ये सारे एनिमल लैंड के ऊपर रहते हैं तो फिश सबसे अलग है तो हमें यहाँ पर बी लिखना है बी फिश वेयर कैन द मैक्म अमाउंट ऑफ वाटर बी सीन सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर पाया जाता है इन ए रिवर इन ए लेक इन ए टैंक इन ए इन द सी सो आंसर इज डी इन द सी सो वी हैव टू राइट हियर डी सी में सबसे ज्यादा पानी होता है क्वेश्चन नंबर टू इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज डैश सबसे बड़ा पानी का सोर्स है वो कौन सा है रेन द वॉटर ऑफ मोस्ट रिवर गोस इन टू द डैश जो रिवर का पानी होता है वो कहाँ पर जाता है सी एक्वा मीन्स वाटर एंड वाटर इज डैश एक्वा का मतलब होता है वाटर और वाटर क्या है Is life? our dash is not possible without water. kya possible nahi hai pani ke bina life. The deep source of water that has step is known as dash. जो deep source है और जिसे taps होते मतलब कि सीढ़ियाँ होती है उसे क्या कहा जाता है tap well. A dash is used to obtain water from the ground. ग्राउंड में से वाटर पाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है क्या यूज़ करते हैं ट्यूब वेल सी वॉटर हीटेड बाय द डैश चेंजेस टू वेपर एंड गो स्काई वर्ड्स एंड रिटर्न टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन तो आंसर आएगा सन जो सी वाटर होता है वो गर्म होके वाटर वेपर बन के कहाँ पर जाता है स्काई में जाता है और रिटर्न कैसे आता है तो रेन के थ्रू तो किससे गर्म होता है सन के थ्रू गर्म होता है वॉटर इज ए डैश वेल्थ वॉटर हमारी कैसी संपत्ति है नेचुरल नाउ लुक एट पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पुट ए राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज देट आर फॉल्स तो हमें राइट के जो सेंटेंस राइट right है वहां पर राइट करना है और जो सेंटेंस रॉन्ग है वहाँ पर क्रॉस करना है वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर हम पानी पिए भी ना ज़्यादा टाइम रह सकते हैं क्रॉस मीन्स की रॉन्ग आंसर है वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर हमें पानी वेस्ट करना चाहिए करना नहीं चाहिए हमें पानी को बेकार होने से बचाना चाहिए तो क्या आएगा राइट वाटर फ्रॉम द सी चेंजेस इन टू वेपर एंड गोज हाई इन टू द स्काई राइट वाटर होता है वो चेंजेस होके okay, क्या होता है वेपर बनता है और वो कहाँ पर जाता है स्काई में तो क्या आएगा राइट देर इज़ ए ह्यूज वाटर टैंक इन द स्काई स्काई में बड़ी सी पानी की टंकी है रॉन्ग फार्मिंग इज पॉसिबल विदाउट वाटर पानी के बिना खेती पॉसिबल है तो क्या आएगा रॉन्ग रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पानी का जो मेन स्रोत है तो वो क्या है रेन तो क्या आएगा राइट right. स्ट्रीम्स रिवर्स लेक्स एंड वेल्स आर known एज सोर्स ऑफ वाटर राइट स्ट्रीम्स रिवर लेक्स एंड वेल्स आर सोर्स ऑफ water है right. Yes. तो क्या आएगा राइट मैच द कॉलम्स appropriately. Water इज पुल्ड अप with अ बकेट तो हम बकेट से खींच कर पानी किससे किसमें से निकालते हैं वेल तो क्या लिखना है यहाँ पर ई वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई स्काई में से जो वाटर आता है तो किसके थ्रू आता है रेन सो वी हैव टू राइट हियर डी वाटर फ्लोइंग नॉइजली फ्रॉम माउंटेन वाटर जो माउंटेन में से निकलता है उसे क्या कहते हैं स्ट्रीम कहते हैं तो वी हैव टू राइट हियर ए वेल विथ स्टेप्स जो कुआ स्टेप के साथ होता है उसे क्या कहते हैं तो स्टेप वेल तो आंसर क्या लिखना है बी रिचेस वाटर टू फार ऑफ प्लेसिस बहुत दूर से फार ऑफ प्लेसेस मतलब दूर दूर से जो पानी पहुंचता है तो वो किसके थ्रू पहुंचता है कैनल तो यहाँ पर लिखना है सी ए राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड जिसमें पानी की जरूरत है उसमें हमें टिक करना है और जिसमें नहीं है उसमें क्रॉस करेंगे हम फॉर प्लेइंग अ गेम नो फॉर रो ऑफ बोट्स येस फॉर मेकिंग टी येस For being mischievous? No. For growing trees? Yes. For reciting a, reciting a poem? No. For writing? No. For kneading mud? Yes. For drawing a picture? No. Number 6. Arrange the following activities according to the amount each needed. स्टार्ट विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर यहाँ पर एक्टिविटीज दी है डिफरेंट टाइप्स की तो हमें ये देखना है कि कौन से एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए वो पहले लिखना है और जिसमें कम पानी चाहिए वो लास्ट में लिखना है तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या आएगी फॉर वाटरिंग फील्ड्स फॉर क्लीनिंग द हाउस नेक्स्ट फॉर बाथिंग फॉर नीडिंग डफ फॉर कुकिंग फूड फॉर ड्रिंकिंग तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया किसमें सबसे ज़्यादा पानी चाहिए ओके क्वेश्चन नंबर सेवन सर्कल द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वाटर इज मेड अवेलेबल अराउंड नियर योर हाउस आपके आजू बाजू में ऐसी कौन सी वाटर प्लेसेस है जहाँ से आपको वाटर मिल सकता है तो लेक वेल ट्यूबवेल रिवर टैप टैंक मीन्स टंका तो ये सारी जगह से हमें पानी मिल सकता है अवेलेबल होता है लुक एट पेज नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर एट फाइंड सेवन नेम्स ऑफ वाटर रिसोर्सिस तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और उसके अंदर सोर्सेज ऑफ वाटर्स दिए गए हैं तो हमें वो फाइंड करना है और उसके अराउंड हमें क्या करना है सर्कल बनाना है ओके okay? तो चलो देखो वाटरफॉल दिया गया है फिर क्या आएगा लेक सी ट्यूबवेल ल रीवर एंड स्ट्रीम तो जहाँ जिसके अराउंड हमने सर्कल बनाया है वो सारे नेम्स हमें यहाँ पर नीचे बॉक्स में लिखने हैं तो वॉटरफॉल लिखा हुआ है चलो हम नेक्स्ट लिखेंगे लेक स्ट्रीम सी ट्यूब वेल वेल एंड रीवर ओके स्टूडेंट्स नाउ सी क्वेश्चन नंबर नाइन सर्कल द ऑड वन आउट जो अलग है सबसे डिफरेंट है उसके अराउंड हमें क्या करना है सर्कल करना है रिवर माउंटेन लेक स्ट्रीम एंड रेन तो वन इज माउंटेन वाई माउंटेन बिकॉज रिवर लेक स्ट्रीम एंड रेन आर सोर्सेस ऑफ वॉटर एंड माउंटीज माउंटेन इज नॉट नॉट द सोर्सेस ऑफ वॉटर ओके फिश डक मंकी क्रोकोडाइल एंड टर्टल तो फिश, डक क्रोकोडाइल एंड टर्टल ये सारे क्या है वॉटर एनिमल्स है एंड मंकी इज़ नॉट अ वॉटर एनिमल कार बोट बस ट्रेन बाइसिकल तो बोट अलग है सबसे क्यों क्योंकि कार बस ट्रेन एंड बाइसिकल क्या है जो रोड के ऊपर चलते हैं, पानी के बिना चलते हैं। और ये बोट क्या है पानी के ऊपर चलती है तो बोट सबसे अलग है बाथिंग वॉशिंग स्विमिंग कोम्बिंग हेयर एंड नीडिंग मड तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है एक्सेप्टिंग कोम्बिंग हेयर ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है वाटर एक्टिविटीज़ है जिसमें हमें पानी ज़रूरत है और कोम्बिंग हेयर में हमें पानी की ज़रूरत नहीं है वी डोंट नीड वाटर फॉर कोम्बिंग हेयर सो वी हैव टू सर्कल ऑन कोम्बिंग हेयर स्टूडेंट आगे का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स